और शायद मैं क्या मैं इतना बड़ा टिकटॉक करूँ अगले लोगों के कचरे उठाऊं? माँ मेरी अगर किसने वीडियो वायरल बना के कर दी मैं क्या करूँगा? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं अली की मामा और ये मेरी बेटी अनमोल और मैं अली की बहन हूँ। तो यार वेलकम बैक आपका एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और अमेजिंग प्रैंक में, क्योंकि आज जो प्रैंक है ना वो हम अली के ऊपर करने लगे हैं और ये प्रैंक और मामा ये ने करने और मैंने और ये मिलके साथ उस्मान भी हमारे साथ है, इसने कैमरा पकड़ा हुआ इस वक्त। हम ये तीनों हमने मिलकर डिसाइड किया कि हमने अली के साथ ये प्रैंक करना है। उसने हमारे साथ इतने ज्यादा प्रैंक किए कि हम थक चुके हैं और हमने भी प्लान बना लिया कि आज हम इसने उसके प्रैंक इसने हमें सर पे चाहिए कोई आंस भी बात करे तो हमें अब लगता है ये प्रैंक है। तो बस अब ठीक है, ये बाहर गया हुआ है और हम तीनों ने जो प्रैंक डिसाइड किया वो हम अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं और उस्मान भी साथ साथ हमें बताता जाएगा कि वो क्या करता है और किस तरह करता है। तो फिर ये हमें प्लान में ये लेके अच्छा मिला। मैं तेरे दिन बीमार रहा था जब उसने प्रैंक किया था मेरे साथ। हम अपना प्लान स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे हमारे पास छोटा सा मोबाइल है, हमारे जैसे मीर तो है नहीं, अब आप बर्दाश्त कर ले जैसा भी बनेगा। ठीक है बेटा, मीर है वो गरीब है। हां जी, आज जो इसकी दुर्घटना मैं करनी है ना तो आप सब फिनिश एंड लेवल जैसा भी रिजल्ट आएगा आप लोगों ने इसे माइंड नहीं करना। ठीक है, और ब्लॉग देखना, लाइक और फॉलो करना है। वो अपना कैमरा मामा जी मामा जी अपना इनको सब्सक्राइब कर दो। हां आपने सबने सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट लाइक शेयर भी करना है सब कुछ। और मैं अपना ये मोबाइल इस तरफ छुपाने लगी हूँ, यहाँ पे यहाँ हाँ इधर छुपाऊंगी ताकि नजर नहीं आएगा। उस्मान तुम कैमरा सेट कर दे जरा। तो अच्छा ये कैमरा हो चुका है सेट, अगर हिल रहा है तो नहीं हिल तो नहीं है। मारे कैमरा सेट हो गया, आप ही कैमरा सेट हो गया, लोकेशन पे सारा देख लो जाके सेट है सारा सेट है। वैसे ये कैमरा मैंने बहुत अच्छा ही करता है, कैमरा सेट कर दिया ना सही तरीके से। चलो ठीक है, अब अभी तो शूटिंग करने गया हुआ है और थोड़ी देर तक जब आएगा इंशाल्लाह ताला फिर हम अपना प्रैंक स्टार्ट कर देंगे। ये जो तुम खैर से अपनी शूटिंग में रहते हो, कोई घर का काम होता है तो कभी सुनो तो
कैमरा उठाया होता है, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हो, सारा घर तुमने छापा उठाया हुआ है, सर में दर्द होती रहती है हमारे। तो शूटिंग से आपको क्या मसला है? अब देखो ना, कोई मेहमान घर में आ गए अचानक या कोई सौदा मंगाना पड़ गया तो तुम अपने कामों से ही फुर्सत नहीं तुम्हें मिलती। और तो बाकी दो हो गया फाड़ी है, वो स्टडी कर रहा होता है और वो दूसरा अपना काम कर रहा है। तो उसको भी काम से छुड़ाओ फिर। क्यों काम से छुड़ाऊ, वो तो घर में ही होता है, वो बाहर तुम्हारी तरह नहीं बारा फिरता रहता। मैं बाहर ये भी नहीं कि अब गुजरांवाला जाता हूँ, यहाँ 5 मिनट का रास्ता है वहाँ जाता हूँ। 5 मिनट के रास्ते में तुम 20 मिनट लगा के तो फिर 2 घंटे वहाँ पे लगा के आते हो, 2-3 घंटे 5 मिनट का जो है ये। अब आपको मेरे से क्या मसला हो गया? है मसला ना, तभी समझा रही हूँ मामा। और पैसे भी इतने रोज रोज लेके चले जाते हो। अच्छा क्या कहना चाहती हो, मुझे सही कर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम रोजाना इतने पैसे लेके खर्च कर रहे हो, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है, आज मैंने ये चीज खानी है, आज मैंने वो चीज खानी है, ये सारे पैसे कहाँ से आए जा रहे हैं? अब तुम्हारे सारे पैसे बंद हो जाएंगे। दरख्तों पे लगे दरख्तों पे लगे तो मुझे भी ला के दो वहाँ से, मैं खुद ही खाता हूँ। मैं खुद ही खाता हूँ, बस तुम्हारे लिए लगे हुए हैं। तुम ना बाहर से जाके कोई जॉब ढूंढो, कोई नौकरी करो। वो पढ़ाना ढूंढे, मैं ढूंढूंगा, छोटे को भेज रही हो। वो पढ़ा है, मेहनत भी कर रहा है, और तुम पढ़ने के अलावा दूसरे काम पड़े हैं वाला कर रहे हो। तुम्हें घर का भी पता ना? तुम ना मामा ये क्यों बोल रहा है, पढ़ोगे भी? तुम अगर ये देखो, मुझे समी ने बताई है कुछ ना जॉब्स खुली हुई है, और उन्होंने बताया भी हुआ है। क्या जॉब खुली है मुझे खुल के बताओ, क्या ना क्या चाह रहे हो आप लोग? तो आपका क्या रहे हो, सुबह ना आती है ना जो नाई रेडी ले, मुझे खुल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो? जो सुबह को आते हैं कचरा उठाने वाला ट्रक, जो वहीं से कचरा उठाते हैं, वो काम तुमने करना है समीर, जो हमें बता दिया। तुम्हारे तो मैं लगवा रहा हूं, महीने का 15,000 है। 15,000 लगेगा महीने का? चलो पैसे तो आएंगे ना। 15,000 से ज्यादा मैं यहाँ कमा रहा हूँ। एक जवानी हमारी हथेली पे नहीं रखी। तुम्हारी कहाँ रखनी है, तू तो फाड़ी को। मेरे माँ बाप की बात कर, 4-5 साल हो गए तुम्हें इसी यूट्यूब के ऊपर, कुछ हासिल हुआ है? कोई 1 रुपया भी ला के मुझे दिया है? सिर्फ ये ही है तुमने, और लेके इस पे खर्च करी जा रहे, करी जा रहे, करी जा रहे, हासिल कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ गया, तुम जाओ अपने काम करो दूसरा, ताकि घर में पैसे आए और मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। मामा जी जहाँ आप मुझे भेज लो उससे डबल मैंने यहाँ कमा लेना। कब कमा के दोगे? कमा लूंगा जब भी कमाना होगा। ये नहीं तुम कमाने लगे, चलो ये भी करी जो साथ साथ, जब तुम्हारे पैसे आएंगे तो वो वाले भी पैसे साथ, उससे पहले ये भी पैसे आते रहेंगे। ये तुम्हारा शौक है, तुम नहीं छोड़ सकते, तो चलो सुबह के टाइम वो जॉब है वो तुमने करनी करनी है। जॉब कौन सी है वो भी नहीं बता, 5 बजे करना है, सारे कचरे उठा उठा के ना तो रेडियो में रखने हैं। कचरे क्या, तुम तो चुप कर, तुम्हें कचरा मैं बनना है बस। मुझे बताओ 4-5 सालों में यूट्यूब ने तुम्हें क्या दिया है? इतना टाइम तुमने स्पेंड किया ना, तो मामा देखो जो 4 साल मेरी मेहनत है, मैं टिकटॉक पे मेरी 2 साल की मेहनत है, वो मैं सारी एकदम जाया कर दूं। जाया कर दो क्योंकि कुछ हासिल नहीं हुआ। जाया कर दूं, पता है एक चीज से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिला तो फिर इसको छोड़ना पड़ता है, किसी और चीज को साले। अब मैं अपना बड़ा टिकटॉकर होकर लोगों के कचरे उठाऊंगा? अभी कोई नहीं, तुम इतने बड़े किसी ने वायरल कर दिया, एवं नहीं हो रहा। सिर्फ तुम ना पैसे खाई जा रहे, खाई जा रहे, खाई जा रहे, कुछ दे नहीं ले, और मैं तंग पड़ गई हूँ। क्यों? मैं तुम्हें आराम से समझा रही हूँ, जॉब है तो सुबह काट लो, तुम आराम से 5 बजे उठ जाया करो, यूनिफॉर्म तुम्हें मिल जाएगा उनकी तरफ से, सारे घरों के कचरे उठाने हैं और पेपर अलग करने हैं सारे, जो खाली पोटी के बगैर वाले होंगे उन्हें अलग करने और दूसरे अलग करने हैं। जो मैं अपना काम ना वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, कर पर मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा। पुत्र मामा नु कमा के लिया के दें दे ना, तो तू सिर्फ ये खर्ची कर ले लाके सड़क। मैंने आपकी बात पे कुछ करना, क्या कुछ करना, मैं अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर, उतना ना फर्ज होता है मां को मां के लिए आके दे देने तो क्या, तो तेरा सिर्फ फर्ज रहा है कि तू पैसा खाए। 12 साल की उम्र में आपको बाहर कूड़ा उठा के किसी 1500, 2000, 1200, कभी 1000, कभी 800, ये स्पीच नहीं है तुम्हारे पैसे। तो जितने मैं ले रहा हूँ उतने उससे ट्रिपल 10 गुना ज्यादा मैं वापस दूंगा। तुम्हें 5-6 साल हो गए हैं, ट्रिपल ट्रिपल क्या, सिंगल भी नहीं आ रहे। अब मैंने नहीं तुमसे ये करना, ये छोड़ो सारा कुछ, ये कैमरे शैमरे ये सारा कुछ अपनी चीज है ना, दो मुझे, मैंने सेव करूं तो तुम खैर से ना सुबह से जॉब पे जाना, 5 बजे उठना तुमने। मैं 5 बजे कोई नहीं उठना रहा, तो मैं क्यों नहीं अभी अलार्म लगा के तेरे सुनाने रखी चित्र मार के सुबह उठा। मेरे अगर मुझे अगर अलार्म बजे मैं मोबाइल तोड़ दूंगा। तोड़ देना, तुम्हारा पर ही होगा।
मेरा अपना तुम्हारे मोबाइल पे इलाम लगाऊंगी जो तुम खैर से आईफोन लेके घूम रहे हो। और माँ मेरी अगर किसने वीडियो वायरल बना के कर दी मैं क्या करूंगा? मामा जी जो भी होने वाली इसको पैसे कमाने के लिए कह रहा कि वीडियो वायरल तो बना के फैन दे तो क्या हो क्या होगा? अभी तक कोई हुई तो नहीं ना। क्या हुई नहीं वायरल? आप कहाँ बैठी हो? कहाँ बैठी हो? अपने घर 2023 से मैं वायरल हो रहा हूँ टिकटॉक पे तो बना कुछ नहीं रहा नहीं आ कुछ नहीं रहा मुझे सिर्फ आने से मतलब है। अभी इतना टाइम तुमने लगा दिया आप छोड़ दो बस इसको। मैं नहीं कोई काम कर रहा मैं जा रहा मैं अपना काम ही करूंगा मैं अपना काम ही करूंगा मैं नहीं निपटा। अच्छा चल इधर तो आ मेरे पास। मैं नहीं आ रहा। एक मिनट आगे बात तो सुनो। नहीं सुन लो एक मिनट। नहीं सुननी मैंने कह दिया। मामा बुला रही है आ जाओ। मैंने कह दिया नहीं करना। अच्छा सुन तो ले बात इधर आके। क्या शौके बांट रहे हो तुम? नहीं शौके बांट रहे क्या मसले है? इधर आओ। मैं नहीं आ रहा। अली मामा बुला रहे सुनाई नहीं दे रहा। मामा अगर सही बात करेगी तो मैं उसी टाइम आऊंगा। माँ बाप सही बात ही करते हैं। तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम्हें सही बात नहीं लग रही। जो समझाता है ना वो हमेशा ही बुरा लगता है। पर आके एक दफा बात सुन लो। क्या है बताओ? आपने मुझे और महीने के लिए बाद ऐसे ही कहना नहीं कहती लेकिन तेरे साथ प्रैंक किया तो मैं अच्छा लगा। तो यार बाकी आपको इस प्रैंक में बहुत सारा मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है। हम भी आपको मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे प्रैंक्स एंड ब्लॉग में। ओके गुड बाय।